क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ के खत्म होते करियर को धक्का दे रहे हैं? पवन सिंह, जी हाँ, आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातों का खुलासा करेंगे जिससे आपको ये खुद ब खुद लग जाएगा कि कहीं न कहीं अब दिनेश लाल यादव का वो जादू, वो चार्म खत्म हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री से, और इसको अब नए तरीके से सजा और सवार रहे हैं पवन सिंह। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जी बाइस्कोप नाम का एक चैनल लॉन्च हुआ, भोजपुरी चैनल है, और इस चैनल के लॉन्चिंग पर पटना में दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह ने, दोनों ने जमकर परफॉर्मेंस दी थी, और उससे भी पहले इन दोनों ने साथ में एक स्टेज शो भी किया था। अब हम आपको बताते हैं कि क्यों ये दोनों एक साथ आए थे। आप सभी जानते हैं पवन सिंह के स्टेज शो की दुनिया दीवानी है। भोजपुरी में आज भी वो एक ऐसे अभिनेता हैं जिनकी फिल्मों से ज़्यादा स्टेज शो की डिमांड रहती है। लेकिन अब बात अगर आप निरहुआ की करेंगे तो क्या आपने इन एक सालों में निरहुआ को कोई एक बहुत बड़ा स्टेज शो करते देखा? हम एक सालों की क्यों बात कर रहे हैं, हम पिछले 6 महीनों की ही बात कर लें, हम पिछले 2-3 महीनों की ही बात कर लें, तो आप अपने मेमोरी में भी याद करेंगे तो भी आपको बिल्कुल ध्यान नहीं आएगा। हाँ, स्टेज शो करते भले हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, लेकिन अकेले नहीं। जैसे कि पवन खेसारी, अक्षरा अकेले स्टेज शो भी करते हैं तो वहाँ इतनी पब्लिक आती है कि तिल फेंकने भर की भी जगह नहीं रहती। लेकिन सेम यही बात लागू अब निरहुआ पे नहीं हो रही है। एक ऐसा वक्त था जब निरहुआ के स्टेज शो की दुनिया दीवानी थी, देश विदेश हर जगह उनके स्टेज शो की तूती बोलती थी। लेकिन फिर अचानक क्या हो गया कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की फैंस फॉलोइंग के साथ साथ धड़ल्ले से बॉक्स ऑफिस पर फिल्में भी पिटने लगी। वैसे आपको तो बॉर्डर वाला किस्सा याद ही होगा कि जब एक जर्नलिस्ट ने निरहुआ की इस फिल्म को बकवास बताया था तो दिनेश लाल यादव निरहुआ किस तरह बौखला गए थे। अमूमन मीडिया की बातों पर वो इतने गौर फरमाते नहीं हैं, लेकिन भाई उस वक्त तो दिनेश लाल यादव निरहुआ ने वो किया जिसकी उम्मीद कभी किसी को नहीं थी। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में दिनेश लाल यादव निरहुआ इकलौते ऐसे स्टार हैं जो कि अपने शांत यानी काम नेचर की वजह से जाने जाते हैं। बातों को न भटकाते हुए हम फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या पवन सिंह धक्का दे रहे हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के कैरियर को आगे बढ़ाने में? अब हम आपको कुछ बातें बताते हैं। मॉरिसस में अवार्ड शो होता है, वहाँ भी ये दोनों अवार्ड शो के दौरान अलग अलग परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब साथ में सनी देओल को ट्रिब्यूट देने की बात आती है तो भाई ये दोनों मिलकर परफॉर्मेंस देते हैं। अमूमन भोजपुरी इंडस्ट्री में दो हीरो एक साथ एक स्टेज पे बहुत कम परफॉर्मेंस देते हैं। अगर एक हीरो दूसरे हीरो के साथ परफॉर्मेंस देता भी है तो भाई आपको यहाँ एक बात और बता देते हैं, दोनों में से एक सुपरस्टार होगा और एक उभरता हुआ स्टार। जैसे अभी हाल ही में आपने खेसारी लाल यादव और समर सिंह का स्टेज शो देखा होगा दिल्ली वाला, जहाँ पर उभरते हुए स्टार हैं समर सिंह, लोग उनको पसंद कर रहे हैं, लेकिन खेसारी जैसा मुकाम उनका नहीं है। इसके पीछे चले जाइए, खेसारी लाल यादव, अरविंद अकेला कल्लू। आपको याद होगा अरविंद अकेला कल्लू के साथ खेसारी लाल यादव ने भी कई स्टेज शो किए हैं, लेकिन जब निरहुआ स्टेज शो कर रहे हैं पवन सिंह के साथ, यहाँ दो दिग्गज स्टेज शो पर है, तो सवाल उठता है भाई क्यों दिनेश लाल यादव निरहुआ पवन सिंह के साथ शेयर कर रहे हैं स्टेज, जबकि उन्हें पता है कि अगर वो पवन के साथ स्टेज शो करेंगे तो वहाँ वाहवाही सिर्फ पवन की होने वाली है। अब एक बात और आपको बता दें, स्टेज शो के लिए जैसे निरहुआ को पहले जैसे ऑफर आते थे, अब नहीं आते। पहले निरहुआ अपने स्टेज शो के लिए जाने जाते थे क्योंकि उनके साथ भोजपुरी की कई हीरोइनें और कई उभरते हुए हीरो हुआ करते थे, लेकिन अब दिनेश लाल यादव निरहुआ से ज़्यादा डिमांड में तो अक्षरा सिंह है स्टेज शो को लेकर। भले सच्चाई चुभने वाली होगी दिनेश लाल यादव निरहुआ के फैंस के लिए भी और उनके चाहने वालों के लिए भी, लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको उनका चार्म घटता हुआ नजर आएगा। इसका एक उदाहरण अभी हाल ही में आप देख लीजिए, निरहुआ का एक ट्रेलर लॉन्च हुआ यूट्यूब पर, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। आप जाइए और उसके व्यूज़ देख लीजिए,
भाई जहाँ भोजपुरी के हर बड़े स्टार, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे वो पवन सिंह हो, या फिर अब तो हम रितेश पांडे को भी इनमें शामिल करना चाहेंगे कि उनकी फिल्मों के व्यूज़ जो आते हैं, ट्रेलर के व्यूज़ जो आते हैं, एक दिन में, मात्र एक दिन में 3 से 4 मिलियन पहुँचते हैं। लेकिन आप अगर इनके व्यूज़ को, यानी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के व्यूज़ को देखेंगे, उनकी फिल्मों के व्यूज़ को देखेंगे, तो भाई देख के हैरानी होगी कि इस ट्रेलर को रिलीज़ हुए 3 से 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इसके व्यूज़ हैं 9 लाख। जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी, व्यूज़ सिर्फ 9 लाख हैं। इससे पता चलता है कि अब भोजपुरी में दिनेश लाल यादव निरहुआ की डिमांड पहले से काफ़ी हद तक गिरी है, और ये सब कुछ हुआ है, हो सकता है उनकी राजनीति में आने से, हो सकता है यादव बनाम यादव की लड़ाई के कारण, या फिर हो सकता है कि अब दर्शक उनको सिर्फ निरहुआ हिंदुस्तानी जैसी फिल्मों में ही देखना चाहते हैं, कॉमेडी जोन में देखना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि लगातार आम्रपाली के साथ देख देख कर उन्हें जनता बोर हो चुकी है और अब चाहती है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ कुछ फेर बदल तो करे, कुछ नया तो करे। वैसे भी बदलाव जरूरी है, क्योंकि लगातार आप किसी के साथ फिल्में देते रहेंगे तो दर्शक उबाऊ हो ही जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ के ढलते करियर में जान डालने के लिए पवन सिंह अपने छोटे भाई का फर्ज निभाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पवन सिंह अब हर जगह दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ जाना पसंद कर रहे हैं, उनके साथ स्टेज शेयर करना पसंद कर रहे हैं। अब हाल ही में द कपिल शर्मा शो में भी दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ पवन सिंह गए। क्या आपको ये पता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ की जगह वहाँ खेसारी लाल यादव को बुलाया गया था, लेकिन खेसारी लाल यादव ने अपने वर्क कमिटमेंट की वजह से वहाँ नहीं गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ के लिए वहाँ जाने के लिए खुद द कपिल शर्मा के मेकर से पवन सिंह ने गुजारिश की थी कि वहाँ उनके साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ को भी लाया जाए। भाई चाहे जो भी हो, लेकिन अच्छी बात है कि एक फिटर्निटी के लोग होके दूसरे लोगों की मदद करें। लेकिन हाँ, ये सोचने की बात है कि एक धांसु एक्टर की अगर इस तरह से विदाई होती है तो भाई सोचने वाली बात हो ही जाएगी। लेकिन अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ कुछ तब्दीली करते हैं, जैसे कि आम्रपाली की जगह भोजपुरी की कई हीरोइनों के साथ काम करते हैं, या फिर स्टोरी लाइन पर काम करते हैं, जिस तरह की फिल्में वो कर रहे हैं उससे जॉनर से हट के दूसरी फिल्में करते हैं, तो हो सकता है कि उनके कैरियर को एक नया बूस्टअप मिले, जो कि बहुत ज़रूरी है फिलहाल इस वक्त के लिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।